स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 3B पूर्णांक। ठीक है, तो पहला हमारा जो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक और दो, निम्नलिखित प्रश्न मतलब कि एक और दो, यहाँ पे पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। ठीक है ना, दो केंद्रीय खानों की संख्या, ठीक है ना, उनके चारों ओर के पटल पर अंकित संख्याओं से इस प्रकार संबंधित हैं कि प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह जो बीच में दिया हुआ है आपका यहाँ पे और यहाँ पे, प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, मतलब 15 और 18 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 15 है, ध्यान समझिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस तीन, इसको अगर ओपन करते हैं तो 15 और ये -3 बराबर हो जाएगा हमारा 12, ये बात समझिएगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर -7 है और +4 है, दोनों घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर हो जाएगा -3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। अब समझ में आ गया, अब ये माइनस का जो 3 इधर वाला आया और ये 12 आया, दोनों को हम लोग घटा मतलब जोड़ देते हैं, तो 12 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो निकल करके आ जाएगा 9, जो कि बीच में भरा हुआ है 9। ठीक है, इसी प्रकार से इसको इस तरीके से करेंगे, दोनों घटाते हैं अगर सॉरी जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा माइनस का 2, और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारा 12। समझ में आ गया, इस तरीके से आपका निकल करके आ जाएगा ये 12, और 12 में से 2 को घटा लेंगे तो बचेगा हमारा 10, जो कि बीच का है। ठीक है ना, इसी प्रकार से इन दोनों में करिए, इन दोनों में अगर इनमें से घटाते हैं तो बचेगा माइनस का हमारा 1, मतलब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा इन दोनों में से, क्योंकि माइनस वाला अधिक होता है, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या चीज़, माइनस का 1, और ये माइनस का 1 और माइनस का 1 मतलब -1 -1 दोनों मिलाकर -2 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में जो -2 होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, जिस तरीके से बताया उसी तरीके समझेंगे, ये भर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है याद रखिएगा कि इसको और इसको दोनों को जोड़े हैं, और जो जोड़ने के बाद आया है वो सबको जोड़ दिए हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज करिएगा, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जो बचेगा वही बीच वाला है। अब देखिए हम दूसरा तरीका बता रहे हैं सबको जोड़ के, जैसे यहां पे देखिए 4 दिया हुआ, पहले वाला सवाल में देखिए पहला वाला जो दिया हुआ है, यहां पे देखिए 4 दिया हुआ है, प्लस लिखेंगे, यहां पे -3 है तो -3 कर लीजिए, और यहां पे हो जाएगा प्लस का प्लस लगाएंगे क्योंकि जोड़ना है, तो -7 है, -7 कर लीजिए, और फिर प्लस है हमारा 15 तो 15 कर लीजिए, सबको जोड़िए, यहां पे 15 और यहां पे हो जाएगा 15 और 4 19, प्लस प्लस में है तो 19 कर लीजिएगा, -1 एक साथ जुड़ेगा माइनस का 10 हो जाएगा, 19 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 9, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस बीच में दिया हुआ है, जस्ट वही वाली क्रिया आप इसमें कर दीजिए, 17 और यहां पर 17 और 14 दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस प्लस है तो 14 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 31, तो ये हो जाएगा प्लस का 31, और यहाँ पे 18 और माइनस का 15 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा 33, और -33 में से 31 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारा 2, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन लगता है, हम बता चुके हैं आप लोगों को, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे 15 19 10 और 3, यहाँ पे बीच में भरना है 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भरना ही क्या होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम जगह था इसकी वजह से बता नहीं पा रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये 15 है, 15 में से 19 को घटाएंगे, पहले ऊपर वाले से नीचे को घटाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखते जाइएगा सिक्वेंस, 15 में से हम लोग 19 को घटाएंगे तो हमारा 19 माइनस में है तो ज़्यादा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा बात को, अब क्या करते हैं कि ये जो नीचे एक बार इधर वाले में ऊपर से नीचे घटाते हैं, इसमें नीचे से ऊपर घटाएंगे, ये सिक्वेंस है। ठीक है ना, तो 11 में से अगर माइनस है, घटाते हैं -3 को तो हो जाएगा हमारा 14। अब इन दोनों को साथ में अगर जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा, 14 और यहां पे -4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 निकल करके आ जाएगा, जो कि बीच में भरा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे वाले में जस्ट वही करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले घटाएं तो 10 में से 5 को घटाएंगे, तो यहां पे देखिए 10 में से 5 को घटाएंगे, बच के निकल करके आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब जस्ट नीचे वाले से इसमें से इसको घटाएं
घटाए थे, 11 में से 3 को घटाए थे, देखिए 11 में से 3 को घटाए थे, उसी प्रकार से 7 में से 4 को घटाएंगे, तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3, और इन दोनों को जोड़ने का काम करना है। यहाँ पे भी हम लोग जोड़े थे तो 10 आ गया था, माइनस चार में 14 जोड़ेंगे, मतलब 14 में प्लस करेंगे माइनस का 4, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस, मतलब 14 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू 10 निकल करके आ गया। इस तरीके से अब डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा सिक्वेंस में करके। अब उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, जो कि बीच में ये भरा हुआ है। जस्ट ये सवाल हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब तीसरे को हम देखते हैं, पहले ऊपर वाले से नीचे वाले घटाना है, मतलब 12 में से 8 को घटा लेंगे तो बच जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब नीचे वाले से ऊपर वाले के इस साइड घटाना है, मतलब 6 में से 5 को घटाएंगे बच जाएगा हमारा 1, और दोनों को जोड़ देंगे तो बच के आगे आ जाएगा 5, और इसका जस्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये है आपका चैप्टर, ये दूसरा हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है दो पूर्णांकों का योगफल सदैव, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा सदैव पूर्णांक होता है। अगर कोई पूर्णांक संख्या है अगर उसको जोड़ेंगे तो उनका योग क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णांक होता है, ठीक ना। दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक पूर्णांक होगा, क्या होगा हमारा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना, धनात्मक पूर्णांक होगा या फिर धनात्मक होगा, ये भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो मुझे लिखना होगा तो लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋण पूर्णांक होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋण पूर्णांक होता है। अभी मैं तुरंत इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बताना चाहता हूँ हर एक सवाल को कि आपका क्या आंसर होगा और क्यों और किस लिए भर रहे हैं, ठीक है ना। मैं सारा कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ था कि दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है, अगर दो पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, अगर तो यहाँ पे प्लस का हम 2 ले लेते हैं, प्लस का हम 3 ले लेते हैं, जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो कोई भी नंबर जो होता है वो पूर्णांक होता है, तो जाहिर सी बात है कि दो पूर्णांक अगर माइनस में भी अगर 2 ले लेते हैं और प्लस में अगर 3 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 1 आएगा। तो जब दो मतलब कि माइनस और प्लस को जोड़ने के बाद माइनस यहाँ पर प्लस 1 आ रहा है तो ये भी क्या है, पूर्णांक। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो पूर्णांकों का योग जो होगा वो सदैव पूर्णांक ही होता है, ये बात समझिएगा। अब देखिए दो धन पूर्णांकों का योग धनात्मक योग, अगर दो धन पूर्णांक है, यहाँ पर 2 है और 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो धन ही आएगा ना, माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा धन पूर्णांक, इसलिए लिख देंगे धन पूर्णांक होता है। अब देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, अब देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि माइनस यहाँ पर दे दिया हमारा 2, अब यहाँ पर दे दिया माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर प्लस लगा के भी अगर माइनस का 3 दे देगा तो माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 2 और माइनस 3 दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा माइनस का 5। मतलब कहने का ये हुआ कि दो ऋण पूर्णांकों का योग जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए तीसरे सवाल को। अब आते हैं हम इसके चौथे सवाल पर। सत्य असत्य है लेकिन इसको बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना, स्किप करेंगे आपका घाटा होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए कैसे, सत्य अथवा असत्य बताइए, किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य होता है, जायज बात है, ये बात क्या हमारा सत्य है। किसी भी अगर मान लीजिए कि 4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4, इसका योगफल मतलब बीच में योगफल मतलब जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे योगफल। अब जोड़ के देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब 4 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 4 + 4 जाएगा 0। उसने बोला शून्य होता है, तो हाँ सत्य है, ये बात क्या हो गया हमारा सत्य है, समझ में आ गया। क्यों, किसी भी पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, बात सही है, ठीक है ना। किसी का भी ले लीजिएगा, शून्य ऋणात्मक जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है ये असत्य है, शून्य कोई ना धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये बात समझिएगा। इसको लिख देंगे हम लोग असत्य, ये हो जाएगा हमारा असत्य। शून्य न्यूट्रल होता है, ना ही वो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। दो ऋण पूर्णांकों का योग धनात्मक पूर्णांक होता है, ये भी गलत। अभी हमने आपको क्लियर किया है कि दो ऋण रहेगा, अगर -2 और -7 ले लेते हैं,
दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे तो अगर हम लोग जोड़ते हैं प्लस में बीच में रख देंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस दो माइनस सात इक्वल टू माइनस का नौ, माइनस नौ आ रहा है ना। और इसने बोला है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक होता है, धन कहाँ आया, माइनस आया ना, तो ये भी बात गलत लिखा है ना, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका ग भी क्या निकल करके आ गया, असत्य। अब देखिए इसको चलते हैं हम लोग घ पे। तो घ दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उसके पूर्णांक का बराबर होता है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उसके पूर्णांक के बराबर होता है, ये बात सत्य है, ये हो जाएगा हमारा सत्य। ये कैसे सत्य हुआ, देखिए किसी भी पूर्णांक को ले लीजिए आप, प्लस का अगर ले लेते हैं दो, अगर इसमें जीरो ऐड करेंगे तो वही आ गया दो ही आएगा ना, तो वही तो कहा है किसी पूर्णांक का पूर्णांक और शून्य का योग उसी पूर्णांक के बराबर होता है, तो उसी पूर्णांक के बराबर होता है, सही बात है। अगर माइनस दो भी लेते हैं प्लस जीरो जोड़ेंगे तो माइनस का दो ही आएगा, ये भी वही आ रहा है, तो बराबर ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। अब देखिए यहाँ पे च वाला दिया हुआ है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योग, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योग सदैव धन पूर्णांक होता है, ये बात असत्य हो गई, ये बात असत्य है। देखिए इसको लिख दीजिएगा असत्य, असत्य। ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए माइनस यहाँ पे दे दिया हमारा 10 और यहाँ पे दे दिया हमारा प्लस का यहाँ पर 7, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 3 आ जाएगा ये आंसर। अब वही चीज़ उलट देते हैं, अगर 10 दे देता है माइनस का 7 करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। तो क्या अगर मान लीजिए कि एक मतलब एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक, एक ऋण और एक धन को पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, नहीं, ऋण भी हो सकता है और धन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सवाल पर, ठीक ना। इस ये लिख दिया कि होता है तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा सवाल पर और सवाल जैसा रहेगा उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। अब च के बाद डायरेक्टली चलते हैं हम लोग छ पे। लिखा है कि संख्या रेखा पर माइनस 18 और प्लस 18 शून्य के समान दूरी पर होंगे। जाहिर सी बात है कि शून्य यहां पे है तो प्लस इधर 18 है तो उससे प्लस इधर भी 18 होगा, मतलब शून्य से सॉरी माइनस 18 इधर होगा, मतलब दोनों बराबर दूरी पर होंगे ना, समान दूरी पर, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ये क्या है हमारा, सत्य है कि दोनों बराबर दूरी पर होंगे शून्य से, शून्य से बोला है यहां पे, देखिए बोला है शून्य से समान दूरी पर होंगे, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य है, ठीक है। अब देखिए अगला जो दिया हुआ है कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। हमने बताया था कि दो धन पूर्णांकों का योग हमेशा धन पूर्णांक में होगा, जैसे कि प्लस दो ले लेंगे और प्लस हमारा तीन ले लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद पांच आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा, ठीक है ना। अगर यहां पर प्लस का हमारा 7 ले लेंगे और प्लस का यहां पर 3 लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा प्लस का 10, ये धन पूर्णांक ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी क्या हुआ, सत्य हुआ। तो इस तरीके से आपका 3B आपका पूरी तरीके से खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में जहां हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। मैं सभी का सभी सवाल बताऊँ।